धन्यवाद, आप सभी का स्वागत है। अब रुख करेंगे अंडमान की खबरों की तरफ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। आने वाले साल में द्वीपों के एकमात्र तृतीय अस्पताल जीवी पंत के कैथ लैब क्लिनिक का निर्माण कार्य शुरू किया गया है, और जिसमें दर्जनों की संख्या में दिल की बीमारी की शिकायत करने वाले मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर है। और हमसे और हाल ही में उससे बातचीत करते हुए स्वास्थ्य विभाग के निदेशक इंचार्ज ने बताया कि कैथ लैब के निर्माण के लिए काम पहले ही चालू कर दिया गया है और एक साल के बाद इसमें काफी तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि हर महीने दर्जनों की संख्या में जीबी पंत अस्पताल में दिल से जुड़े मामले आते हैं, और ऐसे में अगर जीबी पंत अस्पताल में कैथ लैब का निर्माण हो जाता है तो पूरे द्वीपों के लोगों के लिए काफी फायदेमंद ये खबर होगी और काफी लोगों को फायदा मिलेगा, लोग आराम से अपना इलाज करवा सकते हैं। हमारे जीवन हॉस्पिटल में हम अभी कार्डियक कैथेटर लैब जो है, कैथ लैब जिसे बोलते हैं, कैथ लैब जो है हम अभी प्लान कर रहे हैं और शायद अगले साल उसका काम शुरू हो जाएगा। पर्टिकुलरली हमारा यहाँ पर जो है एंजियोग्राम होगा, यानी कि अगर आपका हार्ट में कोई ब्लड वेसल में आपका ब्लॉकेज है तो उसको एंजियोग्राम करके हम देख सकते हैं, और अगर ब्लॉकेज पाया गया तो उसको रिमूव करने के लिए एंजियोप्लास्टी करेंगे, तो एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। ये आपका मान लीजिए महीने महीने में हम ऐसा 7-8 केस देखते हैं जिनको हार्ट अटैक होता है, आते हैं, तो अगर महीना में 7-8 केस आप देखते हैं इट्स क्वाइट सिग्निफिकेंट। और भी हम जैसे आपका आर्टिकल सेक्शन डिफेक्ट होता है एएसडी, उसको एएसडी को क्लोज कर सकते हैं हम, पेस्ट में कर सकते हैं। अगर आपका हार्ट ब्लॉक है तो हार्ट ब्लॉक में हम उसको पेस्ट कर लगा सकते हैं, तो ये सब चीज हम कर सकते हैं यहाँ पर। हमारा जो पेशेंट जिसके लिए हम मेनलैंड रेफर कर रहे हैं, हम उनको रेफर करने की जरूरत नहीं है, जरूरत जीवी पंत अस्पताल